हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो सुबह हो गई, पहले ही मैं कब का उठ चुके थे हम लोग दोनों, फिर से कैफ सो गए, तो ये फिर से सो गए। तो मैंने बोला कि अभी क्या करूँ, मेरे को एक तो कपड़े देख देख के टेंशन होता, मैंने बोला छोड़ो कपड़े ही निकाल लेती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है क्योंकि कपड़े सूख रहे नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो हाथ से धो के डाले थे वो अभी भी हल्के हल्के से नम है, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। और जब भी मैं कपड़ा धोने के लिए निकालती तभी बारिश भी होना चालू हो जाती, तो बारिश भी चालू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। और एक तो बैक पेन से बैक पेन तो मेरा जा ही नहीं रहा है, मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है बैक पेन की वजह से कि मेरे को ना आधा मेरे काम ही नहीं हो रहे। तो मैंने बोला आज कैसे भी करके कुछ भी करके कपड़े धोना ही पड़ेगा, तो मैंने अभी मशीन में लगा दिए वो बहुत सारे कपड़े डाले। अभी यहाँ पर देख सकते हो आप, नीचे भी इतने सारे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा एकदम। कपड़ा धोना बोले ना मुझे सबसे गंदा लगता है कपड़ा धोना, क्योंकि मेरे से नहीं होता, क्योंकि मेरे बैक की तकलीफ की वजह से मेरे को नहीं होता है। और मुझे नॉर्मली मेरे को अभी से नहीं, एक लगभग अगर हम मेरे को ये हो गया ये बैक पेन तो बोलते ना चार पाँच साल के ऊपर हो चुका है बैक पेन है मुझे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ ये बैक पेन के, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अभी मैंने कपड़े डाले तो है धोने के लिए, तो धुल जाए तो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरे साथ एक और चीज़ हो गई है स्कैम, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप मेरा स्टैंड टूट चुका है, कपड़े के लोड के वजह से टूट चुका है अभी ये स्टैंड, और मेरे पास एक ही स्टैंड है, और ये भी अम्मी के घर से मैं लेके आई थी, ये भी टूट गया। मैं कैफ को इतने दिनों से बोल रही हूँ कि कैफ जाओ, जो जो बोलते ना वो लोग काम करते हैं, जो इसको क्या बोलते हैं वो सब मशीन से लगा के काम करते हैं, तो मैंने बोला कि वो करा के लेके आ जाओ तो शायद सही हो जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे ये रिटर्न पूरा तोड़ के फिर एक और अटैच लगा के सही हो जाएगा ये, तो ये कैफ जा ही नहीं रहे। तो अभी बोलते ना कुछ काम बोलो तो ये आदमी कभी कभी सुनता नहीं है, छोड़ा गया क्या बोल सकती हूँ अभी। चलो आई होप कि प्लीज़ आज ये मेरा साथ दे दे, क्योंकि कपड़े मेरे काफ़ी सारे, ये देखो यहाँ पर बेडशीट पड़ी है, यहाँ पर वाइट कपड़े, यहाँ पर जीन्स और कपड़े, यहाँ कपड़े। ये मेरी बहुत गंदी आदत हो गई, क्योंकि मेरे पास जब से मशीन आ चुकी है तो मैं सिर्फ मशीन के भरोसे पर रह रही हूँ कि मशीन में तो धुल जाएंगे तो मेरे से जमा हो रहे हैं। पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अभी मैं डेली बेसिस पे वॉश करके मेरे कपड़े सूखने डाल दूँगी, चाहे वो गीले रहे हुए चाहे वो कुछ भी हो, या फिर मैं कोई मेट लगा दूँगी, ये मैं मशीन रख दूँगी साइड में, अभी सब बेडशीट थी सब धोने के लिए रखूँगी मशीन, बाकी कपड़े के लिए मैं काम वाली लगा दूँगी, क्योंकि मेरे बैक पेन की वजह से मुझे नहीं होने वाला। और ये लड़का तो मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करना था, आप देख सकते हो कैसे सोया पड़ा है। चलो अपना काम खुद ही करो। तो मेरे इतने सारे कपड़े हैं जो मैंने अभी निकाले हैं, तो अभी मैं क्या करूँगी, आधे से ज़्यादा कपड़े मैं बांटूँगी इन द सेंस, मेरे सामने वाली आंटी जो है ना उनकी बहू बहुत अच्छी मेरी दोस्त बन गई है, तो है कि नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग, तो मैंने सोचा कि उसको भी थोड़ी दे दूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी पहनेगी तो मेरे सामने सामने मेरे कपड़े रहेंगे, क्योंकि मेरे अभी जो कपड़े मैंने बहुत कम रखे हुए जो बहुत महंगे वाले, तो मेरे को ऐसा किसी और को ऐसा देने का मन नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि नहीं उसको दूँगी। बेचारी मेरी हमेशा हेल्प करती है, कोई भी काम हो कुछ भी हो कुछ भी चीज़ के लिए मैं बुलाऊँ तो फटाक से आती, तो मुझे वो आदत बहुत अच्छी लगती है उसकी, इसके लिए मैं उसको दूँगी, उसके अलावा किसी को नहीं दूँगी। तो मेरे कपड़े भी कम हो जाएंगे और फिर मेरे कपड़े रखने के लिए भी मुझे थोड़ी जगह हो जाएगी, है कि नहीं। तो शेयरिंग इज केयरिंग, तो मैं बहुत अच्छी बच्ची बनती हूँ अभी, तो फटाफट अपन कपड़े निकालते हैं और उसको बुला लेती हूँ पहले कि जो पसंद आएगा वो ले ले। मैं जा रही हूँ, ये पैंट है ना सामने ले आंटी की भाव ने ना मेरे को नीचे से सिलाई मार के दी, तो ना उनकी मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो भी मैंने आड़ी थोड़ी सिलाई मार के ले ली थी, तो अभी ये सिलाई सही से मार के ले लूँगी, मेरा वीडियो भी पॉज हो गया। तो ये लड़के का पैर देखो कैसा दिखा रहा है, तो मैं उनको थोड़ा पैसा भी दे दूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना इसके ना। तो ये यहाँ पर आज मेरा पूरा दिन कपड़ों में ही जा रहा है, जान नोटिस करे तुमने, सूखे हुए कपड़े निकाली, यहाँ पर धोने के लिए कपड़े रखी, कपड़े कबड़ के खाली करी, डाल दी रिटर्न। हाँ, वो हिला ही नहीं ना नीचे से, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो हिलता ना तो वापस गिर जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, और इतने सारे जो है उसका क्या करने वाली थी, कौन सा सर ये कपड़े पहनूंगी कभी, रोज अभी एक एक निकलने तो रोती क्यों है, कपड़े नहीं है मेरे पास, कपड़े तो ड्रेस नहीं ना, मैं सोचती हूँ कभी कभी ना जीन्स टॉप पहनने के लिए लूज टॉप चाहिए मेरे को, तो जीन्स टॉप पहनना ही क्यों है,
ज्यादा ओवर मत करो, मेरे ड्रेस भी ना ऐसे भारी भारी वाले समझे ना, डायमंड मोती वाले। तो क्या मैं दुल्हन अभी नई नवीली दुल्हन नहीं, 3 साल हो गए मेरी शादी को, बुढ़ी हो चुकी हूँ अभी समझे ना, ज्यादा देखो मत मुझे। उठो जाओ, मर जाओ। मेरे कवर को क्या नजर लगा रहा है पता है गाइस? मैं तेरे कवर को देख रहा भी नहीं, मैं तेरे को देख रहा। क्यों देख रहा है मुझे तू? मेरी हेल्प तो कर रहा है नहीं, सूखे हुए कवर गीले कपड़े तो सूखने डाल रहा है नहीं। जा जा, जिस दिन चले होंगे ना तब तुझे एहसास होगा। और आज देखो कितना फॉगी फॉगी है, मैं सुबह भी उठ के आई ना जान एकदम, अभी तो थोड़ा हल्का हुआ, सुबह में उठ के आई ना तो सामने वाली बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, और बारिश तो हो ही नहीं रही थी, सिर्फ फॉग फॉग भर गया था, क्योंकि हम पहाड़ों में रहते हैं ना। चलो गाइस मिलते थोड़ी देर। सो गाइस शिरिन घर में काम कर रही है और मैं जा रहा हूँ नीचे, अब्बा ने बुलाया है कुछ काम से, तो फटाफट जाता हूँ देखता हूँ क्या काम है, और उसके बाद मैं आपसे फिर रिटर्न आके मिलता हूँ। ओके सो बने रहिए वीडियो। क्योंकि मेरा स्टैंड ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, अभी मेरे वाइट कपड़े बस इस तरफ आ जाएंगे, और बाहर तरफ की रस्सी लगाने का कोई चांसेस ही नहीं, क्योंकि बारिश कभी भी आ जाएगी तो कपड़े क्या लगा, कैसा लगा ये में? वो पाइप में अटका के मैंने ऐसे करी जुगाड़, मुझे जुगाड़ दिखाई नहीं पब्लिक को, देखो रुको मैं क्या करता हूं। ये देखो क्या हो गया ना, ये वाला जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता, ये रस्सी तो आधे में हो रहा था, वहां पर मेरा पाइप टंगा था तो मैंने पाइप में अटका दिया। अभी ये यस, अभी वहां पर मैं चादर धो के डाल दूंगी, यहाँ पर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पर आप देख के यहाँ के बाद आप देख सकते हो मैंने कैसे इलास्टिक मेरे पास थी एक, तो मैंने वहाँ पर भी थोड़े डाल दी, जो जीन्स है ना मैंने यहाँ डाल दी, क्योंकि वो सूखेगा ही नहीं वहाँ पर, नहीं सूखे बट थोड़ा एटलीस्ट बोलते ना जो लर लगा के छोड़ दे सूख जाएंगे सब। हाँ लगा दो ना कूलर, अरे लगा दो ना कम से कम सूख जाएगा ना, क्योंकि जीन्स सूख गई तो फिर अपना और क्या है, कुछ भी नहीं और सब यही कपड़े। चलो हो गया, अभी मैं क्या करूँगी माने मैं गाइस कि अभी से ना आपको मेरे हर दूसरे दिन के ब्लॉग पे आप लोग कमेंट करना दीदी कपड़े धो, दीदी कपड़े धो, तो मुझे याद रहेगा गाइस कि मुझे कपड़े धोना है, तो मैं हर 2 दिन बाद कपड़े मैं निकाल के मशीन से धो दूँगी। मैं खुद को अगर थोड़ा वर्किंग में रखूँगी तो शायद मेरी बॉडी भी थोड़ी सही रहेगी, है कि नहीं जान? इसको तो कुछ काम का ही नहीं है। चल मेरा काम नहीं मालूम, देखो खाने का पीने का सोने का, देखो अभी माशाल्लाह मेरे आदमी को मैंने फिर से ठीक कर दी, आज सोने दी ना 2 घंटे एक्स्ट्रा इसके लिए, भी लगा दिया कैफ ने तो शायद थोड़ी जीन्स हल्की फुल्की भी सूख गई ना तो चलेगा, तो मैं सोफे पे डाल दूंगी। मैंने अच्छा ड्रायर करी आज, तो गाइस ये देखो इतने सारे कपड़े धो के, और अभी यहाँ पे एंट्री हो गई है हमारे बेटे की, बिन बुलाए मेहमान आया आज घर पे संडे मनाने के लिए हमारे, और बालकनी में पूरा पोंछ, हाँ और अभी ये पूरा गंदा करेगा वहाँ जाके बेटे का ये बाहर, हाँ और इसने कुछ देख लिया है बाहर, है ना कुछ दिखा ना तेको क्या दिखा? ओ माई गॉड नुकसान हो गया बोलते, चलो ठीक है आपसे मिलता है अभी थोड़े टाइम पर। और ये देखो अभी भी इसका काम चालू है, बस लास्ट चक्कर होना बाकी है, बेडरूम भी क्लीन हो गया है, बहुत काम करी आज इसने, आज 1 घंटा पैर दबाऊंगा इसका, बाप रे चक्कर आ गया, 60 मिनट पैर दबाऊंगा और जैसे 61 मिनट होएगा उसका गला दबा दूंगा। सो गाइस सुबह से काम करके मैं इतनी थक गई कि बिल्कुल भी शूट नहीं किया, बुरान आया, बुरान बैठा ही था, अभी गया नीचे कुछ खाने के लिए लाने के लिए, मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं और ना घर के आज बाहर निकले हुए, हम लोग घर में ही हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं तो घर में ही बैठे अभी हम लोग मस्त टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा आज संडे भी है तो सब दोस्त लोग बैठ के थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, मी टाइम फ्रेंड्स टाइम है कि नहीं गैस? यस, तो थोड़ा वो कर रहे हैं, तो इसके लिए शूट नहीं किया उसके लिए आई एम सॉरी, तो थोड़ी देर से आप सब मिलती हूँ। सो गाइस रात को हम लोग ब्लॉग का एंड करना भूल गए थे इन द सेंस शिरिन के दिमाग से उतर गया कि उसने ब्लॉग का एंड नहीं करी है, और मुझे उसने बताया कि हाँ मैंने कर दिया, तो बट अभी मैं जब चेक किया ब्लॉग तो ब्लॉग का एंड नहीं हुआ था, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एंड रियली वेरी सॉरी। कल हम लोग कहीं पर भी नहीं गए, जो भी घर का काम था उसी में लगी पड़ी थी शिरिन, और उसकी वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इतना काम करके, तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,
अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कैफ शेरन व्लॉग्स। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।